हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि गीजर को कितने एम्पेयर की शॉकेट लगाएं। दोस्तों, आपने घरों में देखा होगा कि जो गीजर के कनेक्शन किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए जे हमारे पास एक रूम है, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पर हमारा गीजर लगा है, ठीक है जी, तो इसको हम जो कनेक्शन करते हैं वो हम सॉकेट के थ्रू करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारी सॉकेट लगी होगी तो इसके साथ ही स्विच होगा, तो यहाँ से हमने वायर्स डाली होती है गीजर को, ठीक है। और इस सॉकेट को हमारी मेन बोर्ड से सप्लाई आती है, जो कि एक एमसीवी के थ्रू आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गीजर के कनेक्शन किए जाते हैं। अगर ये गीजर है और ये सॉकेट है तो ये एमसीवी होगा, ठीक है दोस्तों। ये एमसीवी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे लगा होता है। तो इस प्रकार से गीजर के कनेक्शन किए जाते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये सॉकेट है जो हमने गीजर के लिए कनेक्शन करने हैं, तो इस सॉकेट को हम कितने एम्पेयर की सॉकेट का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल गीजर है वो अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो गीजर होते हैं वो दो रेटिंग्स में आते हैं, एक तो लीटर कैपेसिटी में, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मली जो हम घरों में गीजर यूज करते हैं वो 1 लीटर से लेकर 25 लीटर तक गीजर यूज करते हैं। और इसी प्रकार से इसे हम एक और बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो कि वाटेज होती है। तो ये भी मार्केट में जो अवेलेबल गीजर है वो 500 वाट से लेकर 5000 वाट तक अवेलेबल है, जितना हमें नॉर्मली घरों में यूज करना होता है, ठीक है। वैसे तो इससे ज्यादा रेटिंग के गीजर भी उपलब्ध है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नॉर्मली घरों में इस रेटिंग तक हम गीजर का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें सॉकेट का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हमें कितने एम्पेयर का सॉकेट लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल सॉकेट है वो किस किस रेटिंग के है। तो दोस्तों, नॉर्मली जो हम घरों में सॉकेट यूज करते हैं वो हम 6 एम्पेयर की सॉकेट यूज करते हैं, 16 एम्पेयर की, और लास्ट हम मैक्सिमम 25 एम्पेयर तक सॉकेट यूज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लोड घरों में नहीं चलता किसी भी डिवाइस का। और जो ये 16 एम्पेयर और 25 एम्पेयर है, ये दोनों के दोनों पावर सॉकेट होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब हम इन तीनों में से कोई एक सॉकेट पर्टिकुलर गीजर के लिए यूज करेंगे, तो इसके लिए हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर 6 एम्पेयर की सॉकेट है तो ये कितना लोड ले सकती है। दोस्तों, ऐसे होता है कि अगर हमें कॉन्टिन्यूसली लोड देना हो तो हमें सॉकेट को जितनी उसकी मैक्सिमम रेटिंग है, जैसे इसकी 6 एम्पेयर रेटिंग है, तो इसके 80% तक लोड देना होता है। तो 80% तक अगर लोड देना है तो ये हमारे पास आया था 6 एम्पेयर का 80% हमारे पास आ जाएगा 4.8 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 एम्पेयर की सॉकेट है उसे हम कॉन्टिन्यूसली 4.8 एम्पेयर तक लोड दे सकते हैं। अगर हमने इससे ज्यादा लोड दिया तो होगा क्या कि जो आपका प्लग होता है, टॉप प्लग, वो बीच में ही बेल्ट हो जाता है और आपकी सॉकेट जल जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। अगर अब दोस्तों आप बात करोगे कि कॉन्टिन्यूस लोड क्या होता है, तो दोस्तों कॉन्टिन्यूस लोड का मतलब ये है कि अगर आप लगातार 1-1.5 घंटा किसी भी अप्लायंस को लगाकर लगते हो तो उसे कंटिन्यूस लोड कहेंगे। और नॉन कंटिन्यूस लोड इसे कहेंगे कि मान लीजिए आपने 10 मिनट कोई अप्लायंस चलाया, फिर से आपने बंद कर दिया, फिर 1-2 घंटे बाद 10 मिनट चलाया, तो उसे आप नॉन कंटिन्यूस लोड कहेंगे। अब क्योंकि जो गीजर है वो मैक्सिमम 1-1.5-2 घंटे तो चलते रहते हैं कि जब तक सारे बंदे नहा ना ले तब तक हम गीजर का यूज करते हैं, तो इसलिए ये कंटिन्यूस लोड में आता है। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि हम सॉकेट को मेन जो उसकी स्पेसिफिक रेंज है उसी के अंदर सेफ्टी के साथ चलाएं, ताकि हमारी सॉकेट जले ना। तो अब हम इसी प्रकार निकालते हैं कि 16 एम्पेयर की सॉकेट पर हम मैक्सिमम कितना लोड डालें। तो इसका 80% दोस्तों, अब ये दोस्तों 16 एम्पेयर का जो 80% आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 12.8 एम्पेयर, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो 25 एम्पेयर की सॉकेट है, इसका जो हमारे पास 80% आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 20 एम्पेयर। अब दोस्तों, इसका मतलब यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो 6 एम्पेयर की सॉकेट है उस पर हम 4.8 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं, ऐसे ही जो 16 एम्पेयर की सॉकेट है उस पर हम 12.8 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं, और 25 एम्पेयर की सॉकेट पर हम 20 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेकर बात करेंगे कि हमें पर्टिकुलर रेंज के लिए कौन से कितने एम्पेयर का सॉकेट लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं 1000 वाट के गीजर की। तो दोस्तों, इस गीजर की जो रेटिंग है, पावर रेटिंग है, वो 1000 वाट है। हमें दोस्तों लीटर की रेटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर हमें सॉकेट के एम्पेयर्स निकालने हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ पावर रेटिंग्स लेते हैं, जो कि वाटेज में होती है। तो हम पहला केस लेते हैं कि हमारे पास जो गीजर की कैपेसिटी है वो 1000 वाट है। तो हमें पहले करना क्या है कि ये फुल लोड करंट कितना लेगा। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, P=V×I। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वी है ये हमारे पास वोल्टेज है, और जो I है ये हमारे पास करंट है, जो कि हमें निकालना है, और जो ये P है ये हमारे पास पावर है,
ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पावर तो 1000 वाट है, और नॉर्मली हमें पता है जो वोल्टेज घरों में आती है वो हमारे पास आती है 220 वोल्ट, और हमें करंट तो निकालना है। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं और हम करंट निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा 2000, क्योंकि पी हमारे पास 1000, क्योंकि पी हमारे पास 1000 वाट है, और बी हमारे पास है 220, और ये हमारे पास आई आ जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा आई इक्वल टू 1000 / 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है आई इक्वल टू 4.54 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 1000 वाट का गीजर होगा वो फुल लोड करंट लेगा 4.54 एम्पेयर। ठीक है, तो हमें अब जो सॉकेट यूज करनी है तो वो सॉकेट हमें देखनी होगी जो इतना करंट इजिली कैरी कर सके। तो अगर हम इस लिस्ट में से देखें तो जो 6 एम्पेयर की सॉकेट है वो 4.8 एम्पेयर तक कंटिन्यूस लोड इजिली कैरी कर सकती है। तो इसका मतलब हम 1000 वाट के गीजर के लिए एक 6 एम्पेयर की सॉकेट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1000 वाट गीजर के लिए हम 6 एम्पेयर की सॉकेट का यूज करेंगे। अब दोस्तों जो 6 एम्पेयर की सॉकेट होती है ये नॉर्मल सॉकेट होती है, ये पावर सॉकेट नहीं होती। ठीक है दोस्तों। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो गीजर की वैल्यू है वो है 2000 वाट। तो फिर से हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहां पर जो पी है ये हमारे पास पावर है, बी हमारे पास वोल्टेज है, और आई हमारे पास करंट है। तो पी यहां पर 2000 आ जाएगा, और वोल्टेज हमारे पास फिर से सेम रहेगी 220 वोल्ट, और हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सेट राइट करते हैं, तो ये आएगा आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है दोस्तों। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, तो पी हमारे पास आएगा 2000, और वोल्टेज जो हमारे पास बी है ये हमारे पास आएगा 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 9.09 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 2000 वाट का गीजर है वो फुल लोड लेता है 9.09 एम्पेयर। अब हम फिर से इस लिस्ट में देखते हैं कि हमें कौन सी सॉकेट का यूज करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो 6 एम्पेयर की सॉकेट है वो मैक्सिमम लोड 4.8 एम्पेयर कैरी कर सकती है, जो कि 9 एम्पेयर से कम है, तो हम 6 एम्पेयर की सॉकेट का यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम अगली सॉकेट देखें 16 एम्पेयर की, तो वो मैक्सिमम लोड 12.8 एम्पेयर तक कैरी कर सकती है इजिली कंटिन्यूस लोड। ठीक है, तो जो कि 9 एम्पेयर से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 वाट के गीजर के लिए हम 16 एम्पेयर की सॉकेट का यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारे सॉकेट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर हम 2000 वाट का गीजर 16 एम्पेयर की सॉकेट पर लगा दें। ठीक है दोस्तों। अब हम ऐसे ही एक और केस लेंगे जिसमें जो गीजर की वैल्यू होगी वो 3000 वाट होगी। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल हम फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल टू बी इंटू आई। तो यहां से आई आएगा पी डिवाइडेड बाय बी। अब दोस्तों यहां पर चेंज क्या होगी, जो हमारी पी है ये हमारे पास 3000 वाट आ जाएगी। ठीक है, जबकि जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी 220 वोल्ट ही। ठीक है दोस्तों। तो हम फिर से इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, तो आई इक्वल टू 3000। अब 3000 इसलिए आया क्योंकि पी यहां पर 3000 है, तो हम बात करेंगे बी से, बी हमारे पास है 220। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 13.63 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। अब फिर से हम इस लिस्ट में देखते हैं कि कौन सी सॉकेट हम यूज कर सकते हैं। तो 13.63 एम्पेयर के लिए हम 16 एम्पेयर की सॉकेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल लोड 12.8 एम्पेयर तक ले सकती है। अब दोस्तों कई बंदे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि 16 एम्पेयर, ये सोचते हैं कि 16 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, तो कई बंदे 3000 वाट के गीजर के लिए 16 एम्पेयर की सॉकेट लगा देंगे। अब क्योंकि गीजर कंटिन्यूसली 1-2 घंटे चलता रहता है, तो जिससे क्या होगा कि आपकी सॉकेट हीट हो जाएगी और जिससे उसके बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये पहले निकाल लेना है कि हमें सॉकेट को उसके 80% लोड पर ही चलाना है। तो इसलिए हम 16 एम्पेयर की सॉकेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम 12.8 एम्पेयर कंटिन्यूस लोड ले सकती है, जो कि 13 एम्पेयर से कम है। तो इसलिए हम 3000 वाट के गीजर के लिए 16 एम्पेयर की सॉकेट का यूज नहीं कर सकते। तो अब अगर हम अगली सॉकेट देखें 25 एम्पेयर की, तो वो मैक्सिमम लोड 20 एम्पेयर तक ले सकती है कंटिन्यूस लोड, जो कि 13 एम्पेयर से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम 3000 वाट के गीजर का यूज करते हैं, तो उसके लिए जो हम सॉकेट लगाएंगे वो हम लगाएंगे 25 एम्पेयर की। तो दोस्तों अब इस प्रकार से हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं कि अगर 1000 वाट का गीजर है उसके लिए हम 6 एम्पेयर की सॉकेट का यूज करेंगे, 2000 वाट के गीजर के लिए 16 एम्पेयर की सॉकेट का यूज करेंगे, ऐसे ही 3000 वाट के
गीजर के लिए हम 25 एम्पीयर की सॉकेट का यूज करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से फिर कोई भी आपके पास रेटिंग दी हो, फिर चाहे 5000 वाट की गीजर हो, आप उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो कि वो फुल लोड करंट कितना लेगा, और उसी बेसिस पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी सॉकेट यूज करनी है पर्टिकुलर गीजर के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।